खान साहब देने के मूड में नहीं लग रहा है भाई, बस 150 रुपए में डन करो। ये चप्पल काली वाली नहीं करता, 1800 खान साहब 2000 इतने ये भी दो है ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं महरूज अहमद एक बार फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और इस बार हम कुछ अलग कर रहे हैं। कराची में शॉपिंग के लिए वैसे तो बहुत सारी जगह हैं, लेकिन सस्ती और टिकाऊ शॉपिंग कहाँ की जा सकती है, आज हम आपको ये बताएंगे। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाइट हाउस के बाज़ार में, जहाँ आपको जूतों से लेकर कपड़ों तक जो चीज़ भी सस्ती और टिकाऊ खरीदनी हो वो आप यहाँ खरीद सकते हैं। अब वो कैसे खरीदनी और बार्गेन किस तरह करना है, असल आर्ट बार्गेन का है, वो कैसे करना है आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा, जूतों के लिए लाइट हाउस की मार्केट सबसे बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्नीकर से लेकर फॉर्मल शूज़ और फॉर्मल शूज़ से लेकर डेल्टा शूज़ तक सब आसानी, और यहाँ तक कि यहाँ ठेलों के ऊपर आपको हर तरह के शूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामने ऊपर मेरे डेल्टा शूज़ पड़े हैं जो कि पहाड़ चढ़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दूसरी तरफ ये नीचे जो शूज़ हैं इनके अंदर जॉगर्स और दूसरी तरह के भी शूज़ मौजूद हैं। तो हम हमारे साथ यहाँ दुकानदार से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि किस तरह के शूज़ और कितने कितने के शूज़ मिल रहे हैं। हाँ भाई, ये DMS कितने के दे रहे हो? कौन सा DMS? ये डेल्टा, ये 1000 रुपये का। 1000 रुपये का ये तो बताने वाले प्राइस है ना, ये वैसे कितने का दे रहे हो? 900-950 का दे देते। 600 का नहीं हो जाएगा? नहीं, 600 का नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग पहले से शॉपिंग करने आए हुए, तो हमारे साथ एक भाई मौजूद है। भाई नाम क्या है आपका? तला। तला भाई क्या लेने हैं? शूज ही लेने आए हैं। कौन से शूज लेने हैं? एक रहे जॉगर्स लेने हैं इस भाई को, क्रिकेट के लिए लेने हैं अपने। अच्छा, जॉगर्स लेने हैं। तो कोई पसंद आए? पसंद तो बहुत सारे आए हैं, पता है आपको रेट करना मेन चीज़ होती है यहाँ पर। रेट तो खान साहब कर लेंगे ना, क्या कौन से समझ आए बात की खान साहब? हमें तो ये समझ आया, ये कर रहे हैं खान साहब। कितने के बोल रहे हो ये कितने के बोल रहे हो? ये हमने इसको 1800 खान साहब 2000 ये भी दो है ना। अच्छा, लाइट हाउस के अंदर एक मार्केट है जिसका नाम है नया मार्केट, हम वहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर काफ़ी मुख्तलिफ तरह के जूते मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये ऊपर जूते, ये कीचड़ में चलने के लिए और बर्फ़ में चलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये भाई दुकानदार हमारे साथ हैं, इनसे हम पूछेंगे भाई ये जूते क्या रेट हैं इनके? ये 1200 रुपये का पीस है। और ये किस किस काम में आते हैं जूते? हर काम में आ जाते हैं। यानी क्या क्या? ये सीमेंट से लेके मार्बल तक वगैरह जे। अच्छा, यानी ये बिल्कुल वाटर प्रूफ है, कहीं भी आप कूद जाएं और कुछ नहीं होगा, बर्फ के लिए भी सही होगा। अच्छा, उसके अलावा ये डेल्टा शूज भी आपके पास है? डेल्टा ये ओरिजिनल है, अमेरिकन पीस है। हाँ, क्या रेट है इनके? ये 2000 से लेकर 4000 तक। ये कितने का? ये 2500 रुपये का शूज होगा। फुटबॉल का शूज ये वाला ना, ये फुटबॉल। अच्छा, अगर आप फुटबॉल खेलते हैं तो आपके लिए ये शूज़ जो है वो बहुत बेहतरीन है। ये नाइकी का फुटबॉल वाला शू है, और भाई कह रहे हैं ओरिजिनल है। इसके रेट क्या है? इसके रेट क्या है? ये 2200 रुपये का होगा। मार्को रियल 2200 रुपये का ये नाइकी का शूज़ है। बार शोको में 12000 रुपये का वो। अच्छा, नहीं मिलता है। ये 5000 के शूज़ ये कह रहे हैं, और ये स्पाइस वाले शूज़ हैं ओरिजिनल। ये यूं करो, ओरिजिनल इम्पोर्टेड स्पेक, जो क्रिकेट का पाकिस्तान का खिलाड़ी जो पहनता है। अच्छा, यहाँ पे एक ऐसा जूता भी मौजूद है जो इतना बड़ा है कि जिसके अंदर पूरी एक बिल्ली सो सकती है। तो इन भाई का कहना है कि ये आलम चन्ना के साइज़ का शू है। और इसका क्या नंबर है भाई? ये 25 नंबर है। 25 नंबर है। तो ये कहाँ से आया? ये कहाँ का? यूरोप से आता है, सब यूरोप से आता है। यूरोप से आता है ये, पेरी एलिस अमेरिका ब्रांड है, अमेरिका यूएसए। और ये कितने का? इसका जोड़ी तो अभी नहीं आया हुआ, जब आएगा तो ये 30000 समझ रहे। हमने जे 20 नंबर भी भेजा है। अच्छा, 20 नंबर, 20 सेलकोट वाला आया था, उसी को हमने दिया। अच्छा, यहाँ पे चप्पलें भी अच्छी मिल रही हैं, तो मैं सोचा कि चप्पलें भी देख लूँ। तो भाई ये नाम क्या है आपका? मुर्तजा। भाई ये चप्पलें क्या रेट हैं? 650 650 रुपये ये
ओरिजिनल है नाइकी का? अच्छा ओरिजिनल कहाँ है यार, कॉपी है, लोअर की बनी हुई ना। अच्छा कितने कितने बोल रहे हो? 600 रुपये। यार खान साहब 600 रुपये देने वाली बात करो यार, 500 नहीं मजा आ रहा यार। और क्या कर लोगे? से कम बस 500 रुपये। ए खान साहब देने के मूड में नहीं लग रहा भाई, 150 रुपये सही है ना फिर? नहीं नहीं 150 तो क्या, फिर कितने करोगे इसके? 450। बस 150 रुपये में डन करो ये चप्पल काली वाली। 150 वाला नहीं करता तो भाई खान साहब, 150 में नहीं मान रहे चप्पल पे, अब मैं क्या करूँ, मुझे कहीं और जाना पड़ेगा।